आज की वीडियो का टाइटल है, आज की वीडियो IPL गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 125,000 में 125,000 अवाम ग्राउंड में इसके रिलेटेड है। ये वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। किसी को कोई अगर शक है कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, तो आज IPL फाइनल के बाद आई थिंक उसको इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों इंडिया जो है वो सुपर पावर है क्रिकेट में। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया में कि आज हमने देखा कि IPL का फाइनल जो था इट बिकेम द लार्जेस्ट अटेंडेड क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री। कोई 1,05,000 आदमी करीब जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मौजूद था फाइनल देखने के लिए। वंडरफुल के जनाब सीन्स है, 1,25,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये पॉसिबल हुई क्योंकि 1,04,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 का क्राउड कुछ भी काउंट कर लें वो उतनी एक्साइटमेंट ये बनाती है इस गेम को, IPL 15 के फाइनल को, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा अटेंड किया हुआ क्रिकेट मैच। सबको वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना दिया स्टेडियम के अंदर IPL ने बिगेस्ट हेड का। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान कब तोड़ेगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग सीजन में BSL के इंशाल्लाह तोड़ेगा पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हिंदुस्तान फर्स्ट पर। दोस्तों आप जानते होंगे कि कल जो IPL फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है सबसे ज़्यादा ऑडियंस लाने वाली क्रिकेट मैच पर। तो इसके बाद सबसे बड़ा जर्सी में भी अब IPL का नाम आ गया है और उसमें भी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फट गई है, क्योंकि आप जानते होंगे इतना ज़्यादा लोग जब एक स्टेडियम में आते हैं वो एक छोटा मतलब गेम तो नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। तो IPL का नाम तो सबसे बड़ा ही है क्रिकेट में। पाकिस्तान मीडिया PSL IPL को कंपेयर करता है, लेकिन आप जानते होंगे कि PSL के मतलब IPL के मुकाबले में PSL कुछ भी नहीं है, और मतलब ऑडियंस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया का IPL में जो इतना बड़ा अटेंडेंस और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको लेकर क्या कहना है। गुजरात के मैदान में 1,00,000 से ज्यादा 1,25,00,000 लोग बैठे हुए हैं, और इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट ग्राउंड में, मतलब अनबिलीवेबल, व्हाट एन एटमॉस्फेयर दैट इज। सो किसी को कोई अगर शक है कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, तो आज IPL फाइनल के बाद आई थिंक उसको इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों इंडिया जो है वो सुपर पावर है क्रिकेट में। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया में कि आज हमने देखा कि IPL का फाइनल जो था इट बिकेम द लार्जेस्ट अटेंडेड क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री। कोई 1,05,000 आदमी करीब जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मौजूद था फाइनल देखने के लिए। और मतलब जो शौक है क्रिकेट का इंडिया में, जो मार्केट है क्रिकेट के लिए इंडिया में, जो पैशन है क्रिकेट के लिए लोगों का, जो टैलेंट अब सामने उभर के आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू नो ये एक वजह है कि वाई इंडिया इज सच अ बिग पावर इन वर्ल्ड क्रिकेट। बट यू नो इस IPL की सक्सेस जस्ट शोज के ऑल दो जो TV व्यूअरशिप फिगर्स थे वो नीचे गए हैं 30-35%, लेकिन यू नो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी सॉ इन द पीपल कमिंग टू द स्टेडियम वंस द रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड। प्लस फिर दूसरा ये कि क्योंकि अब स्ट्रीमिंग अवेलेबल है मोबाइल फोन्स पे, टैबलेट्स पे, हर जगह एक्सेस है लोगों का, तो इट वॉज लाइक आई थिंक फाइनेंशियली अ बूमिंग सक्सेस फॉर BCCI। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आज 1,05,000 आदमी आने का मतलब यह है कि BCCI इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज नाउ, स्पोर्ट्स बॉडीज नाउ इन द वर्ल्ड। साफ सीधी बात है, दे कैन कंपेयर देमसेल्व्स इफेक्टिवली विद बॉडीज लाइक FIFA एंड व्हाट यू कॉल इट द वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन एंड ऑल, बिकॉज वो पैसा इतना है उनके पास यार। और फिर आज इंडियंस ने बताया कि क्यों वो क्रिकेट से कितनी उनका मतलब कितना ज्यादा उनका लगाव है, और इट्स ए गुड थिंग बिकॉज क्रिकेट जो है ना वो जो पैसा आता है क्रिकेट में इट डजंट कम थ्रू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। जो पैसा आता है वो आता है इंडिया से और फिर दूसरे एशियन मार्केट से जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, लेकिन जो मतलब लायन शेयर है वो इंडिया का है यार, साफ सीधी बात है। That is why India is such a big super power in cricket. That is why they have such a big say. क्योंकि जब ऐसा फाइनल कराओगे तो फिर क्या रह गया यार। अब मसला ये है कि हमारे वहां मतलब अच्छा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था हाईएस्ट मतलब अटेंडेंस का वो भी
अनऑफिशियली इंडिया के पास ही है, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कोलकाता में तकरीबन 1,00,000 आदमी आया था। ऑफिशियली तो कहते हैं जी मेलबर्न का है 87,000, लेकिन द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान के, आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान में भी शायद अगर ऐसा फाइनल हो तो लोग आएंगे देखने के लिए पीएसएल का फाइनल। लेकिन मसले है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो आई थिंक नेशनल स्टेडियम या गद्दाफी की है, जो कि पहले 30,000 थी, उसको भी कम करके थोड़ा सा 28,000-29,000 कर दी। तब क्या कर रहे हैं, मतलब जो याद रखी जाएगी क्योंकि एक ऐसे बड़े स्टेज के ऊपर ये सजाई गई है जहां ये स्टेज आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज बन गया। ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो में नहीं, ये एक रियलिटी बेस्ड सिनेरियो के अंदर पॉसिबल हुआ है, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि 1,04,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 का क्राउड कुछ भी काउंट कर लें, वो उतनी एक्साइटमेंट ये बनाती है इस गेम को, आईपीएल 15 के फाइनल को, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा अटेंड किया हुआ क्रिकेट मैच हुआ। क्योंकि वर्ल्ड कप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज आज उस ग्रैंडियोर पे नहीं होती है जिस ग्रैंडियोर पे आज आईपीएल ने खड़ी करके दे दी है। ग्राउंड फुल ऑफ मोर देन 100,000 पीपल विद दैट काइंड ऑफ एन ऑरा, ऑगमेंटेड रियलिटी गोइंग हियर एंड देयर, एंड दैट टू एवरीथिंग glitchless, yes, being so perfect, everything being so देना चाहिए सब एक credit जब ये होता है। Sky IPL जब ये product अपने पास लेके जाएगा, वो अपना ROI बैठ के देखेगा कि मुझे return of investment क्या मिली, मैंने इतना करोड़ों रुपए की sponsorship दी तो मुझे उसकी eyeball क्या मिली। आज eyeball ये उनको मिली कि 1,00,000 बंदा crowd के अंदर, 1 अरब से ऊपर मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की इनकी क्या कहते पॉपुलेशन, फिर उसके बाद पाकिस्तान की अलग, बांग्लादेश अलग, श्रीलंका अलग, जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है वो ग्लोबल ऑडियंस अलग। मतलब नाउ टाटा वुड बी फीलिंग लाइक द आई एम ट्रूली एन हाउस होल्ड नेम। मतलब हमारे सामने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना दिया स्टेडियम के अंदर आईपीएल ने बिगेस्ट शेड का, ये गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान कब तोड़ेगा? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कमिंग सीजन में पीएसएल के इंशाल्लाह तोड़ेगा पाकिस्तान भी रिकॉर्ड, उन्होंने अच्छा बनाया वैसे। पीएसएल से बड़ी शर्ट बना दे, आईपीएल से बड़ी शर्ट बनाएगा इंशाल्लाह ताला आईपीएल। हमें ये बताया आज उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे, कह सकते पूरे दुनिया में सबसे बड़ी आईपीएल की शर्ट का एक रिकॉर्ड बनाया, कब पाकिस्तान तोड़ेगा ये रिकॉर्ड? यार अभी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, आप देखें ना आईपीएल का कितना सीजन जा रहा है और पीएसएल के भी थोड़े से ही हुए हैं सीजन, तो ऐसे ऐसे चीज़ें ग्रूम होती हैं इंशाल्लाह। वो इतना बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे बड़ी शर्ट का आज आईपीएल के अंदर, क्या पाकिस्तान पीएसएल कब तोड़ेगी ये रिकॉर्ड? ये मुश्किल ही है, थोड़ा मुश्किल ही है जी, नहीं लगता तो टूटता नहीं मुझे नहीं। बना दिया गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान का पीएसएल में, कब तोड़ेगा ये रिकॉर्ड? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, उम्मीद टूट जाएगा, उम्मीद है। तो यही थी अब वीडियो ही खत्म, तो ये तो एक प्राउडिंग मोमेंट है इंडिया के लिए, ये देखें कि एक तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी शर्ट उन्होंने बनाई ग्राउंड में, तो दूसरी बात जो उन्होंने कि उनका क्राउड देखे फाइनल में कि 1,25,000 आना थोड़ी सी बात नहीं, ये वो भी क्रिकेट के स्टेडियम में मामूली बात नहीं, जो एक फीफा वर्ल्ड कप ना वो तो पूरे यूरोप में पूरी दुनिया में देखा जाता है, उसकी टीम्स बहुत रहती हैं आवाम ज्यादा, लेकिन क्रिकेट उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर आता है, फुटबॉल ऊपर का ही है, लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा आवाम इंडिया में आईपीएल देख रही, इसका मतलब है कि जो आईपीएल है एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है कि ये मेरा ख्याल है यार, सारी दुनिया में जितनी क्रिकेट की लीग हो रही है मेरा भाई, मेरी सोच के मुताबिक सबसे ज्यादा जो आवाम आई है इस स्टेडियम में वो ये है, ये स्टेडियम है, और सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जा रहा है और ज्यादा फेमस है वो यही है आईपीएल। जो मेलबर्न में होता था ना वो स्टेडियम वाकई ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आवाम भी ज्यादा भाई, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने किया है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये तो मैं इंडिया ही तोड़ेगा जब भी तोड़ेगा, पाकिस्तान जो है ना मतलब जिस तरह पीएसएल शुरू की हुई हमने भी वो एक बहुत नीचे अभी तक तो है ये भाई, क्राउड के हिसाब से पाकिस्तान कभी भी इंडिया का मेरी बात से आने वाले 4 से 5 साल के बाद, मेरी बात सुन ले यार, 5 साल के बाद पाकिस्तान की खुशहाली होगी, अच्छा कंट्री पूरी दुनिया में एक अच्छा ही बन जाएगा, क्रिकेट की तवज्जो ज्यादा होगी जिससे रंगीत राजा के आने से हुई है, अच्छा इससे
हो सकता है पाकिस्तान भी कोई थोड़ी सी आबादी वाला नहीं है, 22 करोड़ के ऊपर चला गया है। स्टेडियम कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1,25,000 बंदा हो आ सके। मेरा तो ख्याल में स्टेडियम 33,000 था, उन्होंने कम करके 28,000 बना दिया। मेरी बात तो सुन ले, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेडियम बना नहीं अभी तक। हो सकता है किसी शहर में कहीं इतना बड़ा ग्राउंड बनाया जा सकता है, ये भी रकबा नहीं है, बनाया नहीं जा सकता, ये हो सकता है आने वाले कुछ वक्तों में हम भी इस तरह कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी इंसान कर सकता है, लेकिन अभी तक तो नामुमकिन है। जिस लिहाज से हमारी पीएसएल चल रही है ना, पहले हमारी पीएसएल से पूरी दुनिया के बंदे इधर जिस तरह इंडिया में आते हैं वो खेलने आएंगे ना, तब जाकर हमें कोई उम्मीद लगेगी। सबसे पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान है इतना बड़ा जो ग्राउंड बनाएगा ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके अमले को तनख्वाह देने के लिए, सारी बात है ये ग्राउंड चलाने के लिए, ये छोटी बड़ी बात, इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इतना बड़ा इवेंट आईपीएल का हुआ मेरा भाई, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा है। मैच में इंडिया की आवाम ज्यादा है, ये नहीं जो ऊपर वाला फ्लोर इसका खाली होता है, मैंने कई महीने और यार फाइनल था ना, ये कुछ थोड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में फीफा फीफा वर्ल्ड कप में भी इतनी आवाम बता तो रहे हैं, इतनी जो वर्ल्ड कप में भी इतनी आवाम नहीं आई, हालांकि जो पूरी दुनिया में देखा जाता है उसमें भी इतनी आवाम इकट्ठी नहीं होती थी ये आईपीएल के फाइनल में इकट्ठी। और दूसरा ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड कप में जो शर्ट में बना दी है पूरे मैच में हाथ से कवर किए, ये तो कभी भी नहीं तोड़ सके मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो नहीं, ये सकते हैं इसको मेरी बात सुने, शर्ट वाला तोड़ सकते हैं, कोई भी तोड़ सकता है, अवाम का मुश्किल है, अवाम का शर्ट का परचम देख ले, पाकिस्तान का परचम उन्होंने कभी किसी ने ऐसा परचम नहीं बनाया इतना बड़ा, ये नहीं हो सकता, शर्ट वाला हो सकता है अगर, लेकिन वो जो स्टेडियम के अंदर अवाम का जो इतना ज्यादा पैसा, फाइनल वाली टीम जो जीती है ना वो गुजरात की टीम है, गुजरात स्टेडियम मोदी साहब के नाम पे बना हुआ है, उसमें जो फाइनल में जीता ना वो उनका जो क्या पांड्या जो है आतिक पांड्या, हाँ वो कैप्टन था शायद, नहीं पक्की बात यह है वो तो वो ही जीता, 20 करोड़ रुपया इनाम उसको मिला मेरा भाई, 20 करोड़ रुपया इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है मेरे ख्याल में, मैंने न्यूज पढ़ी थी के इंडिया वाटसन को जो दिया था ना आज से 30-40 साल पहले जो मैंने आईपीएल देखे उसमें सिर्फ वाटसन को आईपीएल खेलने का 18 करोड़ एक आदमी का उस पर 18 मिलियन, फिर वो जो कैप्टन था हो सकता है उसको भी हार्दिक पांड्या को मुझे तो ये समझ में आया कि ये पहले जीतने और टीम को 20 करोड़ असल में अगर ये रिकॉर्ड तोड़ा जाता ना तो मेरा ख्याल अगर कोई तोड़ सकता है तो वो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, और नहीं तो मेरे ख्याल में कोई भी और चार भाई जो फेर फुटबॉल, आप एक बात को एग्री करेंगे फुटबॉल में दुनिया ज्यादा आती है क्रिकेट तो भाई फुटबॉल मेरा भाई फुटबॉल में ज्यादा दुनिया आती है भाई, इतनी स्टेडियम वाला फुटबॉल भी नहीं उन्होंने बनाया स्टेडियम। गुलजार भाई आप नहीं कहा इस तरह नहीं कह सकते, दुनिया में यही एक स्टेडियम बड़ा है, ये बड़ा वाकई में है, इतनी ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े स्टेडियम है फुटबॉल में, बहुत ज्यादा दुनिया आती है, मैं कभी मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं तस्वीरें देखी फुटबॉल के मैच की इस तरह की, मैंने इतना क्राउड नहीं देखा कितनी फाइनल में दुनिया आती है, कतर में कितनी, इख्तिताम में कितनी आती है वो देखा जाएगा। तो असल में ये एक इनके लिए प्राउडिंग मूवमेंट भी है कि ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंडिया ने जो किया भाई वो खाना छोड़ देते हैं अपना, पहले मैं ही देखते हैं बिल्कुल वो क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा अपने खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा जाती है क्रिकेट यार, ये क्रेज ही है ना ये तो, ये भी तो देख मेरे गुलजार भाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो पैसा आईसीसी में लगाया जाता है कौन लगाता है, इंडिया, वो इंडिया लगाता है, तब भी तो हम कहते हैं इंडिया अपनी मन मर्जी करता है, इंडिया अपनी बातें मनाता है, कमाता भी है लेकिन लगाता भी है भाई, आईसीसी चल रही इंडिया पड़ रही है। असल में ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इनके लिए प्राउडिंग मूवमेंट है इंडिया के तमाम के उनकी आवाम ने इतना ज्यादा इतना करोड़ कहीं भी मेरे ख्याल में इकट्ठा नहीं हुआ,
और अगर ये रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है तो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल में हो सकता है, मतलब क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में क्रिकेट की हिस्ट्री में हो ही नहीं सकता कि ये या फिर तोड़ा जा सकता है फिर इंडिया वालों की तरफ से ही तोड़ा जा सकता है, इंडिया के स्टेडियम में दोबारा आईपीएल में ऐसा कुछ हो सकता है। तो पाकिस्तान तो इसके बिल्कुल भी करीब, पाकिस्तान का स्टेडियम ही छोटे 25-30 हजार वाला स्टेडियम होता है। इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना सिक्योरिटी इश्यूज जो हमारे मुल्क को बेहतर होना पड़ेगा ताकि बैट्समैन का हमारे मुल्क पर एतमाद बढ़े। नुकसान नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, बार वीडियो में कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को सिक्योरिटी का चले भाई। भाई खूब तो बड़े सब्ज़बाद खाते हैं, अल्लाह मेरा भाई उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, क्यों ही अच्छा उम्मीद रखेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।